भजन एल्बम के माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या क्या चमत्कार हुए हैं, इस माता के क्या महिमा है, इस देवी की जो ये जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं धर्म प्रचार मंच के माध्यम से। धर्म प्रचार प्रसार मंच जो है एक युवाओं द्वारा बनाया हुआ एक मंच है जी, जो धार्मिक एल्बम के लिए काम कर रहा है जी। हाँ, इन्होंने धारूड के अम्बा माई का एल्बम बनाया जिसमें अपार सफलता मिली और लोगों ने उसका बहुत भरपूर आनंद लिया जी। उसके बाद इनने ताप्ती माँ पर एक एल्बम बनाया जी। उसके पश्चात एक महाकुंभ जो भारत में सबसे पहले जो किया पोहर में, वो 2017 में ताप्ती महाकुंभ का आयोजन किया जी। इस प्रकार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं युवा मंच। अच्छा, अमर ने सुना है धर्म प्रचार प्रसार मंच ने बहुत से एल्बम्स बनाए हुए हैं अपने क्षेत्र के जितने भी धार्मिक जगह है। ये बहुत अच्छी बात है कि उस जगह की महिमा का बखान करना और जिससे जनता सुने तो उनके अंदर भी वो धार्मिक भाव का विकास होना चाहिए, क्योंकि अभी समाज जिस तरह से पतनशील है, इसलिए धर्म प्रचार प्रसार मंच का यह जो कार्य है बहुत ही अद्वितीय कार्य है। इस कार्य के माध्यम से वो आम जन में उस धार्मिक जागृति की पुनर्स्थापना कर रहे हैं और इसके लिए लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। यदि वो यहाँ का भी ये एल्बम बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो माता रानी के ऊपर जो एल्बम बनने जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, लोग और बच्चे इस एल्बम को देखेंगे और पसंद करेंगे और खाली समय में ये भक्ति गीत को सुनेंगे और जागरूक होंगे। इससे लोगों की आस्था बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि एल्बम बन रहा है और ये धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से जो मानकर जी एल्बम बनाने जा रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और यहाँ पर लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है। इस क्षेत्र में कोई प्रकोप नहीं आया, ये लोगों ने पूर्व लोगों ने बताया भी और इसका महसूस भी किया है कि यहाँ पर प्रकोप नहीं आया और मतलब ये क्षेत्र माँ की कृपा से सुखी है। इसलिए एल्बम वास्तव में बनना चाह रहा हूँ। एल्बम के माध्यम से क्या होगा कि माता जी के एल्बम जो देखेंगे, वीडियो एल्बम, वो सभी लोग परिचित हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है वो भी लोग इसको सुन करके और माँ के प्रति इनकी आस्था जुड़ जाएगी, ये मेरा मानना है। और बहुत अच्छा आखिर आपसे जो आए बहुत अच्छी बात है और एल्बम बनना चाहिए और इसमें जो भी सहयोग होगा एल्बम बनाने में हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। धर्म प्रचार प्रसार मंच जो है ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है और मेरी भी यही दिली इच्छा है कि वो ऐसा कार्य करते रहे और अपने यहाँ जो रेणुका धाम है, जो सिद्ध पीठ है, इसका दूर दूर तक नाम हो और दूर दूर के लोग यहाँ आकर के अपना फायदा उठाए, ऐसी मेरी इच्छा है। सर, धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से माँ रेणुका की जो महिमा है लोगों तक, गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वीडियो भजन एल्बम बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जैसे आप वीडियो बनेंगे लोग बाग सुनेंगे, इसकी महिमा और फैलेगी क्योंकि लोगों को इतना ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा गाँव है, इस गाँव के बारे में लोग बाग इतना नहीं जानते हैं। तो यदि कहे कि इसकी वीडियो बनती है, इसके भजन बनते हैं, तो लोग वाक रुचि से इसको सुनेंगे और क्या है देखने की उनके मन में लालसा उत्पन्न होगी। धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से हमारे भाई लोग यहाँ आके माता जी के ऊपर से वीडियो भजन एल्बम बनाने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है ना, तो बनाए और माता जी का प्रचार हो प्रसार हो और भी अच्छी बात है, उसमें बढ़िया चीज़ है।
करना चाहिए ना, ऐसे सब लोगों ने गांव का सबका सहयोग रहे, सबकी सहमति से हो तो सब बढ़िया कार्यक्रम चलेगा और माता जी का प्रचार भी होगा और सबको आशीर्वाद मिलेगा माता जी का। प्रचार प्रसार मंच जो है वो निस्वार्थ भाव से पार्टी बात को छोड़ करके जो रेणुका धाम धामन गांव की महिमा जो है जन जन तक गांव गांव तक फैलाने के उद्देश्य से वीडियो भजन एल्बम बनाने जा रहा है, तो इसके बारे में बताएं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी माँ का प्रचार प्रसार तो अधिक है मगर इस प्रकार धर्म के माध्यम से जो बनेगा और माता जी की और ज़्यादा महिमा दूर तक फैलेगी और लोग इससे और जुड़ेंगे जिससे माता जी के नाम जो है और आगे आएगा, ये बहुत अच्छी बात है और ये जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, मैं इसके लिए सहमत हूँ। हमारा जो धामनगांव स्कूल है माता रेणुका के चरण में ही है और ग्रामवासियों से भी बहुत कुछ सुनते आते हैं हम लोग, और इसके अलावा माता रेणुका की प्रसिद्धि जो है और दूर दूर तक भी है, प्रतिवर्ष भंडारा भी होता है और मनोकामनाएं तो बिल्कुल ये मान के चलो कि 100% पूर्ण होती है। माता रेणुका दूर दूर से लोग आते हैं और हम लोग तो उसके चरणों में ही बैठे हुए हैं, ग्रामवासी सभी सुखी संपन्न है, माता रानी की कृपा है। धर्म प्रचार प्रसार मंच ये एक युवाओं का मंच है जिसमें हर एक गांव से एक एक व्यक्ति जुड़ा है जो धर्म के लिए काम कर रहा है, जैसे जो छुपे हुए स्थान है देवी स्थान उनको जागृत करना, मतलब उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर, ये धर्म प्रचार प्रसार मंच का धर्म प्रचार प्रसार मंच ने सबसे पहले धारूवाली अम्बा माई का माई का डंका बाजे रे एल्बम लॉन्च किया। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं नीलेश दौड़ के, उनने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसी चमत्कारी सत्ता है और ये जन जन तक पहुँचाना चाह रहे थे, तो इस वजह से हम सभी दोस्तों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। धामन गांव के नीलेश दौड़के जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश दौड़के जी आपका व्यवसाय बताइए। मैं नीलेश दौड़के ग्राम धामन गांव का निवासी हूं और मैं वर्तमान में पुलिस विभाग में इटारसी थाने में पदस्थ हूं। जी धामन गांव की रेणुका माता का एल्बम बनाने का आपका दिमाग में कैसे आया है? मैं लगभग आज से 1.5 साल पहले से धर्म प्रचार प्रसार मंच से जुड़ा हुआ हूँ, रविंद्र भाई के माध्यम से और युवराज भाई हैं और देवीदास लोखंडे जी हैं, इनके माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी जो है कि धारूड़ वाली माँ अम्बा रानी का जो एल्बम बना है, संजो बघेल इसमें सिंगर थी, और उसके अलावा जो ताप्ती माता का जो एल्बम बना है इसमें सहनाज अख्तर जी ने ये एल्बम बनाया है, तो ये जो एक सामूहिक प्रयास है अलग अलग गाँव के जो एक एक दो दो युवा लोग जो है निस्वार्थ भाव से जुड़ करके और एकत्रित होकर के जो महिमा जो है अलग अलग क्षेत्रों की जो महिमा है देवियों की, इस पर काम कर रहे हैं और महिमा जो है एल्बम के माध्यम से और ताप्ती मैया की जो महात्म्य कथा है पोहर में हुई है, हिवरा में हुई है, आठनेर में हुई है इससे पहले, और महात्म्य कथा और एल्बम और ऐसे सभी धार्मिक कार्यक्रम करवा करके और सहयोग दे करके हम महिमा जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। भगत आए दूर दूर से, धामन गांव में सजा है दरबार, भगत आए दूर दूर से, हो धामन गांव में सजा है दरबार, भगत आए दूर दूर से, धामन गांव में सजा है दरबार, भगत आए दूर दूर से, दूर दूर से रे भक्ता दूर दूर से।
सिंगा